जहां एक ओर दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की, वहीं कोलकाता में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी की घोषणा कोलकाता प्रेस क्लब में की गई। 24 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर चर्चा होगी। बैठक में 11 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पार्टी में 13 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी ने ही नई पार्टी का ऐलान किया। कमेटी के सभी सदस्य वाम मोर्चा का घटक दल फॉरवर्ड ब्लॉक से कभी जुड़े हुए थे। पार्टी के अध्यक्ष एसपी तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि जो भी राजनीतिक दल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीति और विचारधारा पर चलेगी, उनकी पार्टी उन दलों का समर्थन करेगी। पश्चिम बंगाल राज्य इकाई का सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें 14 जिलों के करीब 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उसमें 5 मेंबर का एक कोर ग्रुप और 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में नेताजी के नाम पर कई पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है, बंगाल में भी एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, लेकिन जो नेताजी का विचारधारा है उस विचारधारा को लागू करने में ये लोग असफल रहे। नेताजी का जो राष्ट्रवादी चिंतन है उससे ये लोग, इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, और नेताजी सुभाष की जो विचारधारा जन जन तक प्रचारित करने का काम था उसको इन्होंने नहीं किया, उल्टे सत्ता सुख में खाली फंसे रहे और राजनीति में अपने लोगों को स्थापित किया। इसलिए पूरे देश में जो सुभाषवादी लोग थे उन्होंने हमसे संपर्क किया और ये कहा कि नेताजी सुभाष का वास्तव में उनका एक राजनीतिक मंच बनना चाहिए, जो उनके बताए गए रास्ते पर चले, उनके आदर्श पर चले। इसलिए इस मंच का गठन किया गया। पिछले 21 जनवरी 2024 को नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उसमें ही तय किया गया था कि हम विभिन्न राज्यों में इसकी कमेटियां बनाएंगे, तो उसके तहत आज ये कमेटी का यहाँ गठन हुआ है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।